हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास अपनी इंग्लिश टू इंप्रूव करने के लिए एक नवा टॉपिक लेके आई हूं मैं, जो कि है गया फ्रेजल वर्ब्स फॉर ट्रैवल। यानी आप कितने यात्रा करने जाने या सफर करते हैं तो केड़े केड़े फ्रेजल वर्ब्स आप यूज कर सकते हैं। फ्रेज का मतलब कुछ वर्ड्स जब आप जोड़ के एक सेंटेंस ही बनाते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाते हैं, उन फ्रेज कहते हैं। चलो शुरू करते हैं। सब तो पहला है गया ड्रॉप ऑफ, ओ डबल एफ वाला। इट मींस टू टेक समवन टू अ प्लेस एंड लीव देम देयर, किसे नु किसे स्थान पे लेके जाना ते उत्थे उनां नु छड़ देना। जिवें मैं तुहानू कहां प्लीज ड्रॉप मी ऑफ देयर या ड्रॉप मी ऑफ एट द मार्केट, ठीक है मैनू उत्थे छड़ दो। चेक इन करना टू रजिस्टर एट अ होटल, जब आपां होटल दे विच जाके अपनी डिटेल्स दिंदे आ उहदा मतलब है चेक इन कर रहे हैं, ठीक है स्टे करन दे लई। चेक आउट मतलब टू लीव एंड पे फॉर योर स्टे एट अ होटल, जब होटल छड़ने या रहने तो बाद आप चेकआउट कर दे, जब पे कर देने। पिक अप टू गो एंड फेच समवन फ्रॉम अ प्लेस, किसे था तो किसे नु चकना। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब हुंदा हवाई जहाज जब आसमान दे विच उड़दा है तो आप कहते हैं वो टेक ऑफ कर रहे हैं, अपनी फ्लाइट शुरू कर रहे हैं। व्हेन अ प्लेन लीव्स एंड बिगिंस टू फ्लाई। सेट आउट का मतलब टू स्टार्ट अ जर्नी, कहने का मतलब एक यात्रा नु शुरू करना, तो आप कहते हैं सेट आउट। ते सी फ्रेजल वर्ब्स। उम्मीद करती हूँ तुम्हें कुछ नवा सीखने को मिला होगा। जो वीडियो बढ़िया लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।